अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि फैल्कन खाना कैसे खाता है, उसको हम कैसे खिलाते हैं और कैसे उसको थोड़ा बहुत ट्रेन करते हैं, वो हम आपको आज दिखाएंगे। फैल्कन है और इसको अभी हम फीड करवाएंगे। इसके खाने का टाइम हो गया और स्टार्ट से ही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने फैल्कन को बिठा लें ऊपर। पहला स्टेप ये होगा कि आपके पास बटेरे होने चाहिए लाजमी। ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास बटेरे हैं इसको खिलाने के लिए। अब एक बटेरा पकड़ते हैं तो ये हमारा पेरीग्रीन फैल्कन बैठा है और अभी हम ये बटेरा इसको दिखाएंगे पकड़ने के लिए। इतना ट्रेन तो हमने इसे कर लिया। फैंक यू। बटेरे को ज्यादा तकलीफ ना हो और वो उसका काम भी हो जाए। जी तो बस ये था फर्स्ट स्टेप इसके खाने का। फर्स्ट स्टेप इसके खाने का इसे और ये थोड़ा बहुत ट्रेन भी हो जाता है। जंगल में भी अगर इसको आपने जिस भी चीज़ पे ट्रेन करना हो तो आपको पहले इसको खिलानी पड़ती है। तो नॉर्मली ये लोग बटेर पे भी कर सकते हैं, वैसे कबूतर पे लोग करते हैं। कबूतर पे ट्रेन हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे इसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं। तो ये अभी दूसरा स्टेप हमारा स्टार्ट हो गया है। इसमें आप ये करोगे, सबसे पहले इस बाज को तो आप देखें। अब यहाँ तो बताए तो आपने ये क्यों किया? इससे बटेरा ले लिया की प्रैक्टिस करवाएंगे। बटेरा लेके और फिर बटेरा हाथ में दिखा रहे। ये इससे क्या होता है? इससे कि आपके दस्ताने का आदि हो जाता है और फर्स्ट टाइम आज हमें इस तरह से बाहर खोल रहे। इधर जो है इधर हमारा ऊपर लॉक है, देखिए उड़ नहीं सकता। और आज ये देखिए हमने इसे खुले में छोड़ दिया। तो फर्स्ट टाइम ही आया है खुले में? जी ये फर्स्ट टाइम ऐसे आया है, मतलब रस्सी के बगैर। और अभी ये खुला ये हुआ है, ये देखने बिल्कुल खुला हुआ है और रस्सी के बगैर आया। और इसकी एज वो क्या है? एज ये 1 ईयर से कम है। 1 ईयर से कम। और जरा ये बटेर पकड़िएगा। ये मैंने बटेर पकड़ लिया। अच्छा तो ये हम इसे बिठा रहे हैं। और ये देख लें हमने बगैर रस्सी के आज इसे फर्स्ट टाइम ये ट्रेन कर दिया। तो बताओ जी, बस अभी इसको हम थोड़ा सा बाहर कर रहे हैं। ये थोड़ा मेनिंग में भी है, वैसे आप हाथ अगर करें तो ये आपके हाथ का और थोड़ा सा यूज्ड हो जाता है। लेकिन ये काम हमें तभी करना है जब उसको भूख लगी हो। अगर इसको भूख नहीं हुई तो ये जाएगा। और देख लें आज हमने खुले के अंदर इसे ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये सारा आपको समझ ये आ जाएगी कि आप जब आपका ये हाथ का आदि हो जाए अच्छा खासा तो आप इसी तरह इसे ऊंचा बिठा के और फिर ये लेकर और फिर देख। ये देख जी, डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो जाए तो उतना अच्छा होता है। जब आपको कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप इसको वाकई हम खोल सकते हैं। और इसके साथ ही फिर आप लियो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। लियो ट्रेनिंग बेसिकली रस्सी से इसको फिर घुमाते हैं, जो भी इसको खिला रहे होते हैं तो ये उस पर अटैक करता है। उसके बाद फिर इसको लाइव बर्ड्स की तरफ लेके जाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहले बेसिकली ग्लव पे ट्रेन करते हैं, फिर इसको लियोर पे करते हैं और उसके बाद वाइल्ड बर्ड पे। लेकिन हम पहले से इसको वाइल्ड बर्ड पे लेंगे। और नॉर्मली इनको वैसे ग्लव पे काम ही बुलाया जाता है क्योंकि ये फैल्कन होते हैं। ये वो बेसिकली शिकरे या बाज वगैरह उनको ज़रा करते हैं। ग्लव
के लिए, लेकिन इसको भी हम ग्लव पे बुला लेते हैं ताकि थोड़ा सा ना हमारा आदि हो जाए। ठीक है, देखें अब हमने ऊपर कहीं भी नहीं बिठाया, बस नीचे बिठा दिया और नीचे वो देख रहे हैं। ये जो है नाइस यार, नाइस, वेरी नाइस। और इस चीज़ में कोई ख्याल वगैरह रखना पड़ता है कोई? बस ख्याल किस्मत है। किस्मत है। उसी भी आप एक काम करेंगे जी, आप ऊपर छत पे जाके ना इसको ग्लव पे एक बिठाएंगे। ठीक है, इसको इधर से ग्लव पे ले जाएंगे। ओके, या और उसके बाद छत से आपने इसको नीचे छोड़ना है मेरी तरह। ठीक है, हाँ आए ना जरा। ये देख लें यहाँ जी, ये तो बस ये मेरे ख्याल आज के लिए इतना, इसके लिए काफ़ी है। थोड़ी सी गर्मी भी इसको लग रही है और हमने इसको थोड़ा एग्जॉस्ट कर दिया, अभी आराम से अपना खाना खाएं। ओके, ग्लव पे ही कोशिश करें इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्लव पे खाना खिलाएं, और आज के लिए इतना ही। बाय।